दोस्तों ये है Samsung का गैलेक्सी M51 जिसमें 7000 mAh का बैटरी लगा हुआ है और इसमें One UI 2.5 का अपडेट आ चुका है और इसी के साथ साथ बहुत सारी फीचर्स इसमें एडेड हो गए हैं, जैसे कि सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन इधर आ चुका है और इसी के साथ स्टेडी मोड, अल्ट्रा स्टेडी मोड जो नहीं था 2.5 के साथ ही ये वीडियो मोड में आ चुका है। और क्या कुछ आया है इस वीडियो में अंत तक देखते जाइए तो जरूर मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, भाई का चैनल है तो जरूर इधर सब्सक्राइब बटन मिलता है इसको क्लिक कीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। One UI 2.5 है, 2.5 का गैलेक्सी M51 में क्या कुछ सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें खुल के बताऊँगा। तो चलिए पहले तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन इधर आ चुका है, कैसे इसको इनेबल करना है आपको। इधर आप देख सकते हैं ये सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन इधर आ चुका है, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा एग्री करने के साथ साथ। मैं देखिए जब M51 का रिव्यू किया था ना तभी मैंने इसको बता दिया था इसके बारे में, जो इसमें सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन जरूर आएगा और Samsung पे का फुल जो पेमेंट ऑप्शन है ये भी आ जाएगा। तो चलिए इसको सेटअप पहले कर लेते हैं। चलिए ये सेटअप हो चुका है और अभी सिक्योर फोल्डर, ये सिक्योर फोल्डर क्या चीज़ है आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। ये फ़ोन का अंदर और एक ये फ़ोन है जिसके माध्यम से आप कुछ भी रख सकते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन इसमें रख सकते हैं और ये टोटली सपोर्ट करता है Samsung Knox को। अभी जो फुल Knox नहीं था आप लोगों के मन में जो चल रहा था, ये जस्ट कोर अपडेट दे चुका है, लेकिन इंडिया में इधर जो अपडेट आ चुका है मैं तो बताऊंगा बढ़िया है। और इसी के साथ साथ इसका जो हैप्टिक फीडबैक है दोस्तों, ये टच करने में जो सेंसिटिविटी है ये पहले से बहुत गुना बढ़ चुका है, अभी तो नहीं भी था और अभी इसमें बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आप इधर देख सकते हैं जो सिक्योर फोल्डर आने के बाद आप कुछ भी एप्लीकेशन इधर ऐड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन इधर आप ला सकते हैं। तो ये एक बढ़िया फीचर से आप इसमें अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अलग अकाउंट इसमें रख सकते हैं। ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसके साथ उसका कुछ भी संपर्क उधर नहीं रहेगा। तो बेसिकली मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन को आप सिक्योर फोल्डर में रखे तो आपका हैकिंग होने का कोई गुंजाइश व चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा जो हैप्टिक फीडबैक है, कुछ भी टाइप करने के वक्त जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है, जो अभी बहुत ही बढ़िया स्मूथ काम कर रहे हैं। इसी के साथ इसमें आ गया है जो डार्क मोड है, एनहेंस डार्क मोड। इसमें डार्क मोड इतना अच्छा नहीं था, अभी भी कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि ये देख रहे हैं जो Samsung का जो ऐप स्टोर है ये अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट करना चाहिए था। तो एक बार रीसेट करके मैं ज़रूर देखूंगा क्योंकि ये बड़ा अपडेट है, 1GB के लगभग अपडेट है, तो इसमें हो सकता है कुछ सेटिंग्स चेंज भी हो जाए। और अभी तो इसका जो फ्लुएंसी है बहुत ही बढ़ गया है, हो सकता है साउंड क्वालिटी थोड़ा बढ़ेगा और जो इसमें जो है ये वीडियो का अल्ट्रा स्टेडी मोड, इसको दबाने के बाद आप वीडियो ले सकते हैं, जो सेकी वीडियो आते हैं ये आपको नहीं आएगा। तो चलिए एक सैंपल छोटा सा देख लेते हैं।